चलो आज हम जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन द नेक्स्ट वीडियो विल बी द स्मॉल स्मॉल ग्लांस अबाउट द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेबसाइट का आफ्टर इंस्टॉलेशन फर्स्ट आउटपुट जो है वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया वो भी हम देख लेंगे, और साथ में यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप की जो टैब है वो पे ही ओपन करके ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे wordpress.org उसका डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और फीडबैक का लिंक मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, आपको किसी भी चीज़ में वर्डप्रेस में नहीं कुछ नहीं कोई चीज़ें सीखनी है या फिर इसका जो कोडिंग आता है उस कोडिंग रिलेटेड कुछ और भी आपको अगर करना है, लाइब्रेरी फंक्शन जिसमें जो इनबिल्ट होते हैं वर्डप्रेस के, एक्चुअल में वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन ही, लेकिन इसे आप लाइब्रेरी फंक्शन बोल सकते हैं। तो उसका जो कोई भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चनरी अगर आपको करनी है तो वो यहाँ से आप सपोर्ट पे से कर पाएंगे। ये सबसे पहले आइकॉन या लिंक आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है वो हमारा वेबसाइट नेम आता है, वेबसाइट साइट टाइटल। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले जो आया था ना टेक्स्ट बॉक्स साइट टाइटल का, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। बाद में जैसे ही उस पर माउस ओवर करोगे आप तो यहाँ पे विजिट साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करके न्यू टैब कर सकते हो या फिर कंट्रोल प्रेस करके आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टैब में ओपन हो गई। तो जो अभी आपको यहाँ पे ये वाला आउटपुट दिखा था ना, ठीक है, वो ऐसे मैंने ओपन किया था विजिट वेबसाइट की मदद से। तो ये डिफॉल्ट इसकी थीम है, यहाँ पे टैगलाइन दिख रही है, साइट का टाइटल, एक डिफॉल्ट पोस्ट वर्डप्रेस में पहले से हेलो वर्ल्ड की उसमें आई जाती है, पोस्ट होती है। ठीक है, बाद में ये उसका डिफॉल्ट कंटेंट, उस पर कॉमेंट आ जाती है, सर्च बॉक्स एक जुलाई 2020 का ऑटोमेटिकली आर्चाइव फोल्डर बन जाता है क्योंकि अभी हमने ये फर्स्ट पोस्ट वो क्रिएट की होती है वो जुलाई की थी। बाद में ये यहाँ पे एक कैटेगरी बन जाती है, डिटेल में हम सब देखेंगे। यहाँ पे वापस मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एवरी टाइम अपनी वेबसाइट का जो यूज़र व्यू है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं एडमिन व्यू, जो यूज़र व्यू है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। बाद में वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट अभी कितने अपडेट्स अवेलेबल है wordpress.org की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको सब दिखेगा। यहाँ पे अभी जो इंस्टॉल प्लगइन है उसमें से एक का अपडेट अवेलेबल है और जो थीम्स अभी इंस्टॉल की हुई है टोटल थीम्स उसमें से दो थीम्स का अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट स्क्रीन पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखेगा जिसको जिसको मुझे अपडेट करना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इंडिविजुअली कीजिए या फिर सिलेक्ट कीजिए ऑल कीजिए और अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो कुछ भी अपडेट कर पाओगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। बाद में यहाँ पे रिसेंट जितनी कमेंट्स होती है, रिसेंट कमेंट्स अनअप्रूव्ड बोल दो आप तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी कमेंट सेक्शन में। बाद में न्यू का यहाँ पे शॉर्ट लिंक मिलेगा आपको, मतलब कि किसी पोस्ट ऐड करनी है, मीडिया ऐड करना है, पेज ऐड करना है या फिर यूज़र ऐड करना है तो आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर ये आपने कोलैप्स कर दिया है तो यहाँ से भी आप फिर से जो कुछ भी आपकी पोस्ट मीडिया यूज़र जो कुछ भी यहाँ से आप ऐड कर पाओगे। मतलब कि मान लो मुझे अभी एक नया यूज़र क्रिएट करना है तो यहाँ से लंबा मेनू ढूंढ के मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यूज़र पे आऊँगा तो वो डायरेक्टली मुझे ऐड यूज़र की स्क्रीन पे वो ले जाएगा। एड यूजर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी यूजर की खुद की अगर कुछ वेबसाइट होती है तो यहाँ पे वो दिख जाती है, और उसका जो कुछ भी पासवर्ड होता है उसके ईमेल अकाउंट पे उसको मिलता है। ये देखिए, अगर 100 पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये हाइड पासवर्ड है तो ये जो पासवर्ड होगा ना अभी का उसको ईमेल में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है, सब्सक्राइबर, कॉन्ट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। द मोस्ट पावरफुल इज द एडमिनिस्ट्रेटर, देन आता है एडिटर, बाद में आता है ऑथर, और सबसे कम एक्सेस जो वेबसाइट की होती है दैट इज एन सब्सक्राइबर, मतलब के नॉर्मल व्यूअर। यहाँ पे इसे कोलैप्स जो किया था इसे मैं एक्सपांड फिर से कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट के मैं होम पेज में वापस आ जाऊँगा। ठीक है, डैशबोर्ड के होम पेज में। अब यहाँ पे आपको अपनी खुद की प्रोफाइल अगर एडिट करनी है एडमिन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, और थीम थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप कर पाओगे। टूल बार, मतलब कि ये टूल बार मतलब कि क्या, यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो ये टूल बार,
जब आप यूजर साइट का जो कुछ भी वेबसाइट एरिया है देख रहे हो, तब आपको एडमिन टूल बार दिखाना है या नहीं दिखाना। यहाँ से आप जब ये टिक निकाल दोगे, सेव पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, अभी हो गया, तो यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये टूल बार यहाँ से वो निकल गया था। अगर वो निकालना है तो वो आप यहाँ से निकल पाओगे। आपकी खुद की पर्सनल डिटेल अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। अवतार चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो वो यहाँ से आप कर पाओगे। ठीक है, वापिस फिर से हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज एन स्क्रीन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस है। ये बॉक्स वन है, साइट स्टेटस टू, थ्री, इवेंट एंड न्यूज फोर, ग्लांस फाइव और एक्टिविटी सिक्स। टोटल सिक्स बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल। अब मान लो कोई बॉक्स आपको नहीं चाहिए। अब मान लो कि इवेंट्स एंड न्यूज मतलब कि आपके सिटी के नियर अबाउट वर्डप्रेस की खुद की जो कम्युनिटी होती है, अगर वो लोगों ने कहीं आपके सिटी के आसपास के कहीं के सिटी में कोई मीटिंग अरेंज की है, कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, ऐसा कुछ है, सेमिनार है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन उसका जो कुछ भी होगा वो सब यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो अगर ये बॉक्स आपको अब नहीं दिखाना है, ठीक है, अब यहाँ से मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, एक्सपांड भी कर सकता हूँ अब ये, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे आप मुझे आना है स्क्रीन ऑप्शन पे। और यहाँ पे आप देखिए वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़, यहाँ पे मुझे सिंपली इस टिक को निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे एम्प्टी एरिया मिल गया। अब इस वाली एक्टिविटी बॉक्स को मुझे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देना है। तो अब मेरा पूरा एरिया सिंगल विथआउट स्क्रॉलिंग एरिया में मैं देख पाऊंगा, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन को फिर से मुझे मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज़ कर दो। अब मान लो मुझे फिर से वो चाहिए तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ पे टिक करना है, तो उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे वो वापस यहाँ पे लास्ट लोकेशन उसकी जो कुछ भी थी ना वहीं पे वो आ जाएगा। मुझे स्क्रीन ऑप्शन वापस मैं अभी निकाल देता हूँ क्योंकि अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो स्क्रीन ऑप्शन है ना, हर सेक्शन के लिए आपको डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, मान लो कि आप पोस्ट में आ रहे हो तो स्क्रीन ऑप्शन कुछ अलग दिखेगा, पेजेस में आ रहे हो तो स्क्रीन ऑप्शन कुछ अलग दिखेगा, अपीयरेंस में आ रहे हो तो शायद स्क्रीन ऑप्शन कुछ अलग अलग दिखेगा। ये हर पेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा आप। तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे सभी में हम देखते रहेंगे। वेलकम स्क्रीन में क्या आता है, राइट अ फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट फॉर द वेबसाइट। अब पोस्ट और पेजेस दोनों डिफरेंट बात है। पोस्ट जो होती है टाइम बेस्ड होती है, मतलब कि एक पुरानी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि न्यूज़, कोई भी न्यूज़ 3 दिन पहले का होता है, पर कोई भी न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ जब होता है तो आप समझ ही सकते हो कि कोई भी बंदा जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना उसे ही पढ़ेगा। तो पोस्ट को आप कह सकते हैं टाइम बेस होती है, और जो पेजेस होते हैं वो टाइमलेस होते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी भी कंपनी का एड्रेस चाहिए तो वो टाइमलेस होता है, वो एड्रेस वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10 ईयर्स के बाद भी शायद उन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो एड्रेस होता है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वो सेम का सेम ही रहेगा। डिटेल में हम आगे देखेंगे बाद में। तो वो पोस्ट और पेज दोनों डिफरेंट होता है। और अबाउट अस पेज यहाँ पे इसलिए लिखा है, ठीक है, मतलब कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसके CEO कब कौन थे, स्टार्टिंग में उन लोगों ने कौन कौन प्रोडक्ट्स बनाई थी। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो हमारा ये वेबसाइट का बेसिकली गोल क्या है, हमारी पूरी टीम्स कितने लोगों की है, तो ये सब अगर हमें बताना है तो हम ये सब यहाँ पे वो लिख पाएंगे। सेटअप योर होम पेज, मतलब कि यहाँ का जो डिफॉल्ट पेज है, ठीक है, होम पेज, इसमें कुछ अगर आपको चेंज करवाना है तो यहाँ पे इस वाले लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। विजिट योर वेबसाइट, वो तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। विजेट्स, अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा है, आर्काइव है, रिसेंट पोस्ट है, ये सब बोलते हैं विजेट्स। विजेट्स को भी हम आगे सब चीज़ को डिटेल में देखेंगे। ईच एंड एवरी कॉर्नर विल बी कवर्ड इन द फर्दर वीडियोस। ठीक है, छोटा सा छोटा कॉर्नर भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी मैं ग्लांस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैनेज मेनूज, अब मेनूज कहाँ पे आता है, अभी तो मेरी वेबसाइट पे कोई मेनू नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा होता है टीम, तो बाद में यहाँ पे लिखा होता है उस पर जैसे ही माउस ओवर करते तो टीम के नीचे आता है कैमरा टीम, राइटर, ये वाला ये वाला। जब राइटर पे क्लिक करते हो तो 3-4 बंदों का नाम हो रहा था,
तो ये टीम का 3 बंदे है, दूसरी टीम के ये 4 बंदे है, तो वो अगर सब मेनूज अगर आपको सब प्रोवाइड्स करने हैं तो यहाँ से आप उस मेनूज को हैंडल कर सकते हैं। अब पूरी वेबसाइट के कमेंट अनेबल करने हैं, डिसेबल करने हैं, तो ये सब यहाँ से आप होगा। अब ये वाला मान लो मुझे नहीं चाहिए, कस्टमाइज योर साइट मतलब कि थीम का जो बेसिक ओवरऑल होता, मतलब कि यहाँ पे टैगलाइन मुझे चेंज करनी है, ये हेलो वर्ल्ड का कुछ फॉन्ट बड़े छोटे करने, माइनर चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं होते, ठीक है, माइनर चेंजेस आप बाद में यहाँ से अपीयरेंस में भी कर सकते हो कस्टमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनर चेंजेस आपको अगर कुछ करने हैं तो आप यहाँ से थीम लेवल के वो कर पाओगे। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो स्क्रीन ऑप्शन में जाके ये वेलकम भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इतना ही सेक्शंस चाहिए। अब साइट स्टेटस मतलब कि अभी मेरी वेबसाइट पे जो कुछ भी इंस्टॉल्ड है, सब कुछ थीम है, प्लगइन्स है, मेरा वर्डप्रेस का वर्जन है, उस मुताबिक मेरी वेबसाइट का स्टेटस क्या है। मतलब कि वर्डप्रेस का वर्जन आपने अपग्रेड कर दिया लेकिन थीम्स और प्लगइन्स आप अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो उसका हेल्थ इश्यू कुछ हो सकता है, मतलब कि कंपेटिबिलिटी लेवल कुछ हो सकता है। अपग्रेड करो तो सब अपग्रेड करो, ठीक है, नया वर्जन अपग्रेड करोगे तो उसकी नई थीम्स भी आएगी ना, उसका कोडिंग थोड़ा करो, बहुत तो चेंज होता ही है, तो क्या आपको अपडेट करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। एट ग्लांस में टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर्स ऑफ कमेंट और टोटल नंबर्स ऑफ पेजेस इन योर वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कौन सा वर्जन अभी आपका वर्डप्रेस में चल रहा है वो भी यहाँ पे दिखेगा, और जो अभी एक्टिव थीम है वो उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। अगर अपीयरेंस मेनू में जाके आप थीम चेंज करते हो, यहाँ पे मैं अपीयरेंस में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अभी देखो ये एक्टिव है, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्टिव थीम। अब मान लो मुझे 2020 यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, एक्टिवेट, तो अब मेरी वेबसाइट की यूजर साइट की ये वाली थीम हो चुकी है। मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड में और यहाँ पे देखो 2020 नाम आ गया। अब इसे मुझे सिंपली क्या करना है, रिफ्रेश करना है। देखो पूरा आउटपुट वेबसाइट का जो कुछ भी है वो चेंज हो गया है। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो CMS आखिर क्यों मार्केट में इतना सक्सेस हो गया, ये उसका बेस्ट एग्जांपल। अब मान लो किसी डेवलपर बंदे को बोलना पड़े कि भाई मुझे वेबसाइट का GUI मुझे चेंज करना है, तो इसके ये 15,000 से 20,000 मिनिमम वो लेगा। अब वर्डप्रेस में आपको क्या करना है, आपकी पसंद की थीम सिंपली आपको नेट पे से सर्च करनी है, यहाँ पे थीम्स में आके उसको अपीयरेंस में आके थीम्स में आके उसको सिंपली इंस्टॉल करना है, वो भी वन क्लिक इंस्टॉलेशन आप बोल सकते हो, बहुत ही आसान है, और पूरी वेबसाइट का जो GUI है वो चेंज हो जाता है। तो ये एट ग्लांस बॉक्स इसके लिए था। बाद में अब क्विक ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो मान लो कोई आइडिया आपको अभी माइंड में आया सडनली और आप आगे जाके उस आइडियो को भूल मत जाओ, या आपको शॉर्टली नोट्स लिखनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैं जो डेवलप करूँगा दैट विल बी वाइल्ड, मतलब कि कौन से, मैं मान लो कि मैं मैमल्स को सबसे पहले कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, सभी मैमल्स को, और कौन से मैमल्स हो सकते हैं, तो लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, ठीक है, ETC, ऐसा कुछ मुझे लिखना है। सब मेरे दिमाग में जो भी छोटे छोटे आइडियाज़ आ रहे हैं जिसको मैं एज अ पोस्ट में डिफाइन करना चाहता हूँ, वो सब यहाँ पे मैं एज अ सेव ड्राफ्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देखो अब नेक्स्ट टाइम मैं वापस जब आता हूँ तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, इसे आप समझ सकते हो कि मैं वापस नेक्स्ट डे आया तो यहाँ पे आपको योर रिसेंट वैसे का वैसा ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ तो फिर से आपको रिलोड होता हुआ दिखेगा वेब पेज, देखो यहाँ पे ही दिखेगा। मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस मैपल पे क्लिक करना है, तो जैसे ही मैमल्स पे क्लिक करोगे तो उसी पोस्ट को मतलब कि उसी कंटेंट को मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे मुझे मेरा पूरा एडिट सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, पोस्ट एडिट करने वाला जो सेक्शन है काफ़ी बड़ी है इसमें स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे छोटा सा, पूरी स्क्रीन शायद आपको कवर की हुई नहीं दिखेगी क्योंकि स्क्रीन को मैंने क्रॉप किया हुआ है, ठीक है, वाइड स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख पाएगी, मैं स्क्रॉल जो कर रहा हूँ यहाँ पे टाइटल चेंज होगा, यहाँ पे जो कंटेंट था वो चेंज होगा, मतलब कि आपको फिर से कुछ एडिट करना है, स्क्रीन पे भी मुझे नहीं दिखाना है, तो जितना आपको यहाँ पे एडिट करना है करते रहो, जो कुछ भी एडिट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। और वापस मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पोस्ट करो,
ठीक है, आप जितनी भी डिफरेंट आइडियाज होते हैं डिफरेंट लेवल पे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मतलब कि मुझे अब फिशिश को कवर करना है, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स को कवर करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक्वेटिक। और यहाँ पे और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अभी के लिए, मेरे आइडियाज हो कुछ भी है। और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट, यहाँ पे देखिए दूसरा भी ऑटोमेटिकली आ गया, यूजर को कहीं नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे भी एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए यूजर को कहीं नहीं दिखेगा। देखा, जो हेलो वर्ल्ड डिफॉल्ट है वही मुझे दिखेगा। यहाँ पे जितनी भी रिसेंट एक्टिविटीज हुई है, मतलब कि कमेंट्स आती है जितनी भी, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। अनअप्रूव जैसे ही करूँगा वो वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे मुझे उस बंदे को रिप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, मेरी खुद की है तो इसलिए मैं यहाँ पे एडिट कर पाऊँगा। स्पाम, मतलब कि किसी बंदे ने कुछ ऐसा वर्ड्स लिखा है और उसको ब्लॉक करना है आगे जाकर, तो यहाँ पे स्पाम ट्रेस, मतलब कि वो वेबसाइट में से डिलीट हो जाएगा। और इसका फुल व्यू मुझे यहाँ पे मान लो देखना है, तो यहाँ पे मुझे फुल व्यू भी दिखेगा। देखो वेबसाइट में यहाँ पे नीचे आ गया, देखा, देखो यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे फिर से मैं बैक आ जाता हूँ, और तो यहाँ पे जो कुछ भी मेन्यूज है वो यहाँ पे जो ऑलरेडी कवर अप है वो 50% सेम हो गए अपडेट्स पे, यहाँ पे जो हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए जो बैकग्राउंड उसकी जो CDN वो लोड होने में थोड़ी टाइम ले रही है। यहाँ पे वो आ गया, मतलब कि पोस्ट को यहाँ पे ऐड न्यू करना है। अभी तक की सभी पोस्ट अगर मुझे देखनी है तो वो यहाँ से मैं देख पाऊँगा। यहाँ पे देखो जो अभी हमने ड्राफ्ट ड्राफ्ट किया था वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जो वेबसाइट में दिख रही है वो डिफॉल्ट कैटेगरी वो होती है, वो अनकैटेगराइज। नई कैटेगरीज ऐड करनी है तो यहाँ से कैटेगरीज में आके सभी कैटेगरीज को हैंडल कर पाऊंगा, यहाँ पे सभी टैक्स को हैंडल कर पाऊंगा। अब कैटेगरीज क्या है, टैक्स क्या है, वो अलग से मैं डिफरेंशिएट करूँगा आगे के वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट और पेजेस का डिटेल डिफरेंशिएशन, उसके बाद के टॉपिक में वीडियो में देखेंगे कैटेगरीज और टैग का डिटेल डिफरेंस, और बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट मुझे खुद की बनानी है तो वो कैसे करेंगे, साथ में उसके बाद का वीडियो होगा हमारा मैनेजिंग द मीडियाज, मतलब कि ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, तो ये सब यहाँ पे मेरा जो कुछ भी है यहाँ पे हैंडल होगा। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक छोटी सी इमेज है वो यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। ठीक है, बाद में जो पेजेस अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस जो कुछ भी आप बोल रहा था ना वो यहाँ पे आप हैंडल होगा। यहाँ पे सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी देखो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है ड्राफ्ट मोड में, उसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम आपको दिखेगा, ऑथर दिखेगा, मतलब कि मान लो तीन चार यूजर से तो कौन से यूजर ने कौन सी पोस्ट और पेज यहाँ पे ऐड की है तो वो भी आपको दिखेगी, पेजेस में भी और पोस्ट में भी। ये आउटपुट इतना सेम होगा, मतलब कि इस पेजेस पे कितना कमेंट्स आया है, कमेंट्स बाय डिफॉल्ट पेजेस पे नहीं होता है, पोस्ट पे होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो वन कॉमेंट दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी नंबर्स ऑफ कमेंट पर पोस्ट आई है वो भी आप देख पाओगे। डिटेल कमेंट सेक्शन यहाँ पे अगर अगर आपको अलग से हैंडल करना है तो वो आप अलग से हैंडल कर पाओगे। सबीज में, पोस्ट में, पेजेस में और कमेंट्स में, यहाँ पे बल्क सिलेक्शन के बाद उसको स्पाम करना है, डिलीट करना है, फिल्टराइजेशन है, मतलब कि मेरी खुद की कमेंट्स कितनी है, मुझे देखने की कितनी पेंडिंग है, अप्रूव्ड कितनी है, ट्रेस में कितनी है, वो सब मुझे देखना है। इन द सेम वे पोस्ट में भी मैं दिखाना भूल गया, पोस्ट में भी कुछ ऐसे फिल्टर आते हैं, पब्लिश्ड कितने हैं, मतलब कि यूजर को कितने दिख रहे हैं, ड्राफ्ट मतलब कि अभी जिसमें एडिटिंग कुछ पेंडिंग है वो कितने हैं, ट्रेस मतलब कि अभी पहले वेबसाइट पे था लेकिन उसने मैंने उसे डिलीट कर दिया है, कैटेगरी वाइज उसे फिल्टर करना है, मतलब कि मैमल्स और एक्वेटिक अगर आगे जाके हम जो वो दो कैटेगरी बनाने वाले हैं उसको यहाँ से फिल्टर करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ से मुझे कुछ भी अगर सर्च करना है तो मुझे कुछ भी लिखना है टाइटल में या फिर कंटेंट में आ जाएगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मतलब कि यहाँ पे मान लो ये वर्ल्ड लिख रहा हूँ, देखो ये हेलो वर्ल्ड वाली मेरी पोस्ट आ गई क्योंकि यहाँ पे टाइटल में ये वो दिख रहा हो, टाइटल में यहाँ पे क्या कब वर्ड है, फर्स्ट पोस्ट, तो यहाँ पे मान लो मैं फर्स्ट पोस्ट भी लिखूँ शायद, फर्स्ट पोस्ट एंटर करता हूँ तब भी वो मुझे दिखेगा। ठीक है, तो पोस्ट का कंटेंट आप लिखो या फिर पोस्ट का टाइटल, यहाँ से आप डायरेक्टली अगर फिल्टर करना है तो फिल्टर भी कर सकते हो। ऑटो पेजिंग है ये पूरा सेक्शन, मतलब कि ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे पेज वन पेज टू ऑटोमेटिकली आ जाता है। अपीरियंस में थीम्स, विजेट्स, मेनू, बैकग्राउंड जो कुछ भी यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नई थीम्स आप ऐड कर पाओगे।
डायरेक्टली इंटरनेट पे से आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी होगी, लोकल में कोई डाउनलोड की हुई है और उसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। बाद में यहाँ पे जो प्लगइन्स होते हैं जैसे कि सोशल शेयर आता है, विजिट काउंट आता है, बाद में गैलरी के कुछ अच्छे प्लगइन्स आते हैं, कॉन्टैक्ट के कुछ अच्छे प्लगइन्स आते हैं, मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है विथ ए सिंगल क्लिक, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। काफ़ी सारे प्लगइन्स है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। साइट को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कि SEO करना है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसका भी प्लगइन यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे आगे के वीडियोस में। बाद में यूज़र, जैसे कि मैंने वर्डप्रेस के फीचर वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र इज अवेलेबल विथ अ वर्डप्रेस, ऑल यूजर्स आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेस, मतलब कि एडमिन यूज़र है ही इज़ द मोस्ट पावरफुल यूज़र इन द वेबसाइट। बाद में एडिटर आता है, तो किसकी क्या परमिशन है वो भी हम आगे के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पोस्ट मेनू कवर करेंगे। बाद में मीडिया, धीरे 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 जब हम यूज़र मेनू पे आएंगे ना तब हम डिटेल में देखेंगे कि भाई कितने टाइप्स ऑफ यूज़र अवेलेबल्स है और कौन सा यूज़र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो तब हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ भी जैसे कहा डिफरेंस फिल्टर सब यहाँ पे अवेलेबल्स है। यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना ये जो स्क्रीन ऑप्शन है वो हर स्क्रीन पे डिफरेंट दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ आइटम्स पर पेज, मतलब के 20 यूजर्स अगर यहाँ पे बन गए तो ऑटो पेजिंग हो जाएगा, मतलब के मान लो 25 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे अभी है तो फर्स्ट 20 आपको पेज वन पे दिखेंगे और पेज टू पे आपके नेक्स्ट मतलब के 5 जो यूजर बचे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट का, वो काफ़ी तगड़ा उन लोगों ने बनाया है, मतलब के मान लो कि गूगल का ब्लॉगर है या फिर टैग्स है, टेक्स्ट कन्वर्टर, मतलब कैटेगरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को कैटेगरी में, कैटेगरी को टेक्स्ट में, RSS, थंबलर, वर्डप्रेस की कोई और जगह पे आपकी वेबसाइट है और यहाँ पे उसको यहाँ आपको इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे सब ये नया जो है ना काफ़ी लोगों ने अच्छा बनाया है, पुराने वर्जन में ये सब नहीं था, ठीक है। वर्डप्रेस के पुराने वर्जन में इतना लेवल अच्छा नहीं था जो GUI बनाया है, फंक्शनैलिटी ये लोगों ने एड की है था, लेकिन इतना मुझे काफ़ी पसंद आया है। हाँ, लेकिन जो पोस्ट का इन लोगों ने ये नया लुक जो बनाया है तो थोड़ा बिगनर लेवल पे कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पे मान लो कि एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे जो एडिट करना है ये वाला, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका मैं डिटेल पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। सेटिंग में देखते हैं, देखो ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट वेबसाइट की लिंक, मतलब कि मुझे होम पेज वेबसाइट का कहाँ पे से मिलेगा, लोकल होस्ट वर्डप्रेस पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन टाइम ये स्टोर हो जाता है। बाद में डिफॉल्ट नया कोई भी यूज़र बनाते हो तो उसका रोल क्या आता है, डिफॉल्ट साइट की लैंग्वेज, जो मैंने कहा था 70 लैंग्वेजेस बीन सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस नाउडेज, तो यहाँ पे सभी लैंग्वेज आपको मिलेगी, जो सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर लो। डिफॉल्ट टाइम स्टेप आपको क्या रखना है आपकी वेबसाइट का, मतलब कि हम इंडिया से है तो हमारा होगा +5:30। डिफॉल्ट वेबसाइट में कोई किसी जगह पर अगर डेट दिख रही है फुल डेट तो वो कैसे दिखानी है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे किसी जगह पे टाइम अगर दिख रहा है तो कैसे दिखाना है, तो मान लो कैपिटल एम दिखाना है तो वो यहाँ पे दिखेगा, ऐसा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कुछ भी अगर कस्टम फॉर्मेट सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी वो कर पाओगे कस्टम फॉर्मेट, ठीक है। अब इसके लिए PHP का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये F, J और Y जो लिखा है वो PHP में से आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वो भी हम दिखेंगे वर्डप्रेस थीम डेवलप सेक्शन में, ये कवर करेंगे, ठीक है। अब डिफॉल्ट स्टार्ट डे हमारा इंडिया में होता है संडे, तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस। मैं राइटिंग में अब आता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अगर मल्टीपल्स कैटेगरी है और मैं कैटेगरी हर बार सिलेक्ट नहीं करना चाहता किसी पोस्ट के लिए, तो डिफॉल्ट कैटेगरी जो कुछ भी हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। बाद में मुझे एक रीडिंग में एक और चीज़ दिखानी है, देखो यहाँ पे ये मेरा होम पेज है, तो यहाँ पे पोस्ट वन, पोस्ट टू, पोस्ट थ्री, अप टू हाउ मेनी पोस्ट मुझे होम पेज में दिखानी है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 10, ठीक है। अब मुझे 10 के ज़्यादा पोस्ट जैसे ही हो जाएगी, 10 से ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस पर थीम का जो डिज़ाइन किया हुआ नेविगेशन मेनू होगा, मतलब कि किसी में पेज वन, पेज टू, पेज थ्री आता है तो किसी में नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज आता है डिपेंडिंग ऑन योर थीम, तो उस थीम मुताबिक मेरा जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे नेविगेशन दिख जाएगा,
जैसे ही टेंट पोस्ट हो जाती है तब अब लेटेस्ट पोस्ट दिखाना या फिर स्टैटिक पोस्ट, मतलब के अभी हेलो वर्ल्ड के बाद अगर मैं नई पोस्ट जैसे ही ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो हेलो वर्ल्ड नीचे आ जाएगा, नई पोस्ट ऊपर आ जाएगी। तो वो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट वाला यहाँ पे सिलेक्शन है। स्टैटिक पेज मतलब के जितने भी बार मैं नई पोस्ट ऐड करूँ, लेकिन मेरी होम पेज पे ये फिक्स एक पेज मुझे दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मान लो कोई पोस्ट पेज पे आता हूँ तो डिफॉल्ट फर्स्ट मुझे यही पोस्ट दिखानी, तो वो भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। बट ऑब्वियस है, और हम डिटेल्स में सिलेक्ट करेंगे समरी और फुल टेक्स्ट, मतलब कि बाय डिफॉल्ट आपका जो कंटेंट होगा वो तो काफ़ी लंबा होगा ना, 300 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स। तो जो होम पेज होता है, मतलब कि कोई भी अगर पेज है आपकी वेबसाइट का यूजर साइट, तो 300-400 वर्ड पूरी पोस्ट के एक साथ दिखा देने, या फिर उसकी समरी दिखा के रीड मोर का बटन आपको देना है। तो बट ऑब्वियस है, मैं तो ऑलवेज रीड मोर का ही बटन प्रिफर करता हूँ। मतलब कि समझ लो ना कि 50 वर्ड्स आपको, फॉर एन एग्जाम्पल 50 वर्ड्स आपको दिखेंगे, बाद में आपकी थीम के मुताबिक आपको रीड मोर वाला बटन दिखेगा। रीड मोर पे जब क्लिक करोगे तो अलग से पेज पे वो वर्डप्रेस आपको ले जाएगा, और वहाँ पे आपको आपकी पोस्ट की पूरी जो कुछ भी डिटेल्स है वो यहाँ पे वो दिखाएगा। डिस्कशन मीडिया और परमालिंक, परमालिंक का मैं पूरा वीडियो अलग से डेवलप करके समझाऊंगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जनरल ओवरव्यू तो मैंने दे दिया है, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि मैंने कहा पेज और पोस्ट का जो डिटेल डिफरेंस होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और बाद में हम फर्स्ट मेनू से डिटेल में देखने वाले हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, कि कौन से मेनू से क्या चीज हम वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का बस इतना ओवरव्यू था, वो मैंने दे दिया है कि कौन से मेनू में कहाँ क्या चीज होगी। और डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस वो तो आपको मालूम है, सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, तो जितने भी वर्डप्रेस के वीडियोज में ऐड करता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।